ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। तो क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। मोबाइल हर किसी के पास है, स्मार्टफोन से लोग अब तो सारे काम घर बैठे निपटा लेते हैं। दोस्तों से बात करना हो, पेमेंट करना हो, गाड़ी बुक करना हो, किराना मंगाना हो, रास्ता पता करना हो, कुछ खाने को मंगाना हो, रील बनाना हो, वेब सीरीज देखनी हो या फिर गेम ही क्यों ना खेलना हो, सब काम कर देता है आपके हाथ में मौजूद ये स्मार्टफोन। बहुत संभावना है कि इस वक्त आप ये खबर अपने मोबाइल पर ही देख रहे हों, यानी कि ये आपके रात दिन का साथी हो चुका है। लेकिन आज हम आपको बेहद ज़रूरी और खबर अहम खबर बताने जा रहे हैं, या यूं कहिए कि सावधान करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी ही ज़रा सी चूक आपके अकाउंट को, बैंक अकाउंट को खाली कर देगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। दरअसल ऐसे कई मामले हैं जिसमें लोगों ने ना तो कोई कॉल उठाया, ना कोई SMS आया और अचानक से मोबाइल हैक हो गया, खाते से रुपये निकल गए। ये APK फाइल के जरिए स्पाईवेयर अटैक है। इसमें APK फाइल के जरिए हैकर मोबाइल में सेंध लगा रहे हैं। APK होता क्या है ये समझिए। APK फाइल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। APK यानी कि एंड्रॉयड पैकेज किट फाइल, ये सिर्फ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करती है। APK फाइल एक तरह का स्पाईवेयर है, जैसा कि नाम से साफ हो रहा है, स्पाई यानी कि निगरानी करना। चुपके से आगे आपको बेहद जरूरी जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले कुछ मामले जानिए। ग्वालियर के कारोबारी के मोबाइल पर ना तो SMS आया, ना कोई OTP आया, अचानक से मोबाइल हो गया बंद, खाते से धड़ाधड़ ट्रांजेक्शन होने शुरू हो गए और 87,000 रुपये निकाल लिए गए। नगर निगम के उपायुक्त प्रदीप श्रीवास्तव एक SMS के जरिए आई फाइल डाउनलोड करते ही आधे घंटे तक उनका मोबाइल हैक रहा और खाते से 47,000 रुपये निकाल लिए गए। अब ये हो कैसे गया? सुनकर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ऐसी वारदातों के पीछे सबसे बड़े जिम्मेदार खुद लोग होते हैं, उनकी गलती होती है, या ये भी कहा जा सकता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती, उनका डेटा उनकी ही छोटी सी चूक से चोरी हो जा रहा है, उनके मोबाइल की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और ये पूरा खेल हो रहा है APK के जरिए। इसके जरिए सारी जानकारी हैकर तक पहुंच जाती है। स्पाईवेयर ऐसा टूल है जिससे मोबाइल, लैपटॉप या अन्य डिवाइस के डेटा और यूजर्स के डेटा से लेकर हर गतिविधि पर बिना अनुमति नजर रखी जा सकती है। गैलरी, डॉक्यूमेंट, कॉन्टैक्ट, SMS बिना अनुमति थर्ड पार्टी को भेज दिए जाते हैं। इसमें लोकेशन, ईमेल से लेकर अन्य जानकारी भी हैकर तक पहुंच जाती है। कई बार लोग ऐसी फाइल को क्लिक भी नहीं करते और ये फाइल डिवाइस में पहुंचकर डेटा चोरी कर लेती है। होता कैसे? इसकी वजह होती है व्हाट्सएप और अन्य मैसेंजर का ऑटो डाउनलोड फीचर, जिसमें लोग मीडिया, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो को ऑटो डाउनलोड पर रख देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर APK फाइल मोबाइल में डाउनलोड नहीं हुई तब तक स्पाईवेयर काम नहीं करेगा। फाइल डाउनलोड होते ही मोबाइल का एक्सेस हासिल हो जाता है और मोबाइल हैक कर ठगी होती है। अब सवाल यह है कि बचना कैसे? तो बहुत आसान से टिप्स हैं जिन्हें आपको जानना बेहद ज़रूरी है, इन्हें अपना लीजिए, बच जाइए। अगर आप WhatsApp या कोई अन्य मैसेंजर चलाते हैं तो ऑटो डाउनलोड मोड पर उसे न रखें। अक्सर लोग जो हैं मोबाइल में डाउनलोड ऑन वाईफाई की सेटिंग कर देते हैं। ऐसा इसलिए ताकि आपका मोबाइल डेटा खर्च ना हो और आसानी से वाईफाई पर स्पीड के साथ ही कुछ भी डाउनलोड कर लिया जाए। लेकिन अगर आपने भी ऐसी सेटिंग कर रखी है तो इस सेटिंग को तुरंत बंद कर दीजिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि सेटिंग के चलते कोई भी आपको अनजान नंबर से मैसेंजर या व्हाट्सएप पर APK फाइल भेजता है तो वो वाईफाई के संपर्क में आते ही सेटिंग के कारण ऑटो डाउनलोड हो जाएगी और आपके मोबाइल में सेंध लग जाएगी। फाइल साइज में बहुत ही कम KB की होती है और इसीलिए क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाती है या ऑटो डाउनलोड पर तो तुरंत हो जाती है। अगर आप मोबाइल में एंटीवायरस रखते हैं तो ये तुरंत हार्मफुल फाइल को पकड़कर आपको अलर्ट करने का काम करेगा। लेकिन ध्यान रहे, एंटीवायरस भी आपको बेहद जानकर और समझकर उसके फीचर्स देखकर ही लेने चाहिए। चलते चलते फिर से ये जानिए कि अनजान फाइल डाउनलोड न करें, क्योंकि रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने का झांसा देकर भी सबसे ज़्यादा ऐसी फाइल डाउनलोड करा दी जाती हैं, या फिर फाइल पर बैंक का नाम लिखकर भी भेजा जा सकता है, जिससे कि आपको ये लगेगा कि बैंक ने कुछ भेजा है, लेकिन असल में ये स्पाईवेयर होता है जो नज़र रखेगा।
सावधान भी रहिए, अगर आपने अभी भी ऑटो डाउनलोड फीचर ऑन कर रखा है तो सबसे पहले इस सेटिंग को ऑफ कर दीजिए, खुद को सुरक्षित कर लीजिए, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। तो चाहे वो वाईफाई के संपर्क में ऑटो डाउनलोड हो या मोबाइल डेटा पर ऑटो डाउनलोड हो, उस फीचर को तुरंत ऑफ कर दीजिए।